नमस्कार, जीवन संवाद की परीक्षा सीरीज में आपका स्वागत है। इस अंक में हम बात करेंगे कि अपने तनाव को कैसे संभालें। तनाव अचानक से बारिश जैसी चीज़ नहीं है कि अचानक से आपको लगेगा कि बारिश हो रही है, तो तनाव धीरे धीरे आने वाली चीज़ है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि तनाव आता कैसे है। हम सब तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को किसी एक स्तर तक ले गए होंगे, उसके बाद हम सब बात करते हैं, भाई तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए, तुम कहाँ तक पहुँच गए। हम अपने 4, 5, 6, 7 दोस्तों से लगातार चैट करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं कि मैं तो इस वाले तक पहुँच गया, तुम कहाँ पहुँचे। हम अपना छोड़कर दूसरों की लगातार बात करेंगे कि तुम कहाँ गए। जैसे ही आप सारी बातचीत ख़त्म करते हैं, आप खुद को एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ आप सबसे पीछे हैं। आपको लगता है कि अजी सारे तो खरगोश हो गए, मैं कछुआ हो गया। वहाँ से तनाव आता है। तो पहला काम तो ये करिए कि दूसरों से भले पूछ लीजिए कि वो कहाँ तक पहुँचे, लेकिन इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको अपने हिस्से का लिखना है, आपके दोस्त को केवल बताना है। एक मैं आपको मज़ेदार बात और बताऊँ कि ज़्यादातर जब हम किसी दूसरे को बताते हैं तो हम झूठ बोल रहे होते हैं। हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने तो पूरा कर लिया है, ताकि दूसरा पीछे वाला व्यक्ति लगे कि नहीं मैं पीछे रह गया। तो आप इस मानसिक रूप से इस अपने दिमाग के इस पैतरे को समझिए और आप इसको ठीक कीजिए कि अगर कोई आपसे आगे भी चल रहा है तो आपको अपनी गति से चलना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, उससे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। तनाव संभालने की दूसरी तैयारी, आपको अपेक्षाओं से बचना है। आपके टीचर ने कहा होगा कि आपको इतने नंबर लेके आने हैं, आपके दोस्तों ने कहा होगा कि आप यहाँ तक जाएंगे, और अंततः आपका परिवार, आपके माता पिता ने कहा होगा कि आपके इतने नंबर आएंगे तभी आप उनके लाडले बेटे होंगे या बेटी होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे सारे तनाव को परीक्षाओं के दिनों में एक तरफ रख दीजिए। माता पिता और दोस्तों का काम ही है कि वो आपसे अपेक्षाएं चाहें, वो चाहें कि आप कहीं अधिक से अधिक नंबर लेके आएंगे, आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को इससे दूर रखिए। आपके जितने भी नंबर आएंगे वो आपके ही नंबर होंगे। इस कड़ी में आपको ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि दुनिया के वो सभी लोग जिन्होंने दुनिया को खूबसूरत बनाने में, दुनिया में आविष्कार करने में, दुनिया को शानदार संगीत देने में, लेखन देने में, इंजीनियरिंग देने में, चिकित्सा देने में योगदान दिया है, वो सब लोग स्कूल में असफल थे। अगर आप नोबल पुरस्कार विजेताओं की वेबसाइट पर जाएंगे और उनकी ज़िंदगी को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर लोगों को स्कूल ने फेल कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को बीच में छोड़ दें, इसका मतलब केवल इतना है कि आप तैयारी कीजिए लेकिन परिणाम की चिंता मत कीजिए। तनाव को संभालने की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके नंबर जैसे भी आएंगे, जितने भी आएंगे, इससे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे तनाव में आ जाते हैं, वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, और जब जब परीक्षा के परिणाम सामने आए, जब जब रिजल्ट आया, ऐसे बच्चों ने या तो टॉप किया या उनके इतने नंबर आए जिसकी उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी। क्योंकि जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो आप केवल अपनी कॉपी में लिख रहे होते हैं, आपके पड़ोसी ने कैसा लिखा है आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है आपका पेपर बिगड़ जाए, हो सकता है आपका पेपर ख़राब जाए, लेकिन आपके आगे या पीछे बैठे स्टूडेंट ने पेपर कैसा किया है आपको पता नहीं है। तो हो सकता है उस परीक्षा में आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए। तो परीक्षा में जैसे भी नंबर आएंगे, ज़िंदगी उससे कहीं बाधित नहीं होती। दुनिया जिन लोगों ने बनाई है, दुनिया को जो लोग बदलते हैं, वो ज़्यादातर लोग कम नंबर वाले लोग हैं। इसका फिर एक बार ये मतलब नहीं है कि आप तैयारी ना करें या तैयारी को अधूरा छोड़ दें। इसका मतलब केवल इतना है कि अगर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम नंबर आते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कम से कम मेरी ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ज़िंदगी को दूसरे तरीके की तैयारियों की ज़रूरत होती है, तनाव का सामना करने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने, ख़ास तौर पर कम नंबर आने के बाद आगे बढ़ने के बारे में हम जीवन संवाद में पहले विस्तार से बात करते रहे हैं। अगले आने वाले अंकों में इस पर हम और भी विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए केवल इतना ही कि अपने नंबरों से प्यार कीजिए। जितने भी नंबर हैं वो आपके नंबर हैं, उनको दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़िए। किसी को भी अधिकार मत दीजिए कि आपके आने वाले भविष्य पर उसकी अपेक्षा का भार
आपके जीवन पर भारी पड़ जाए।